स्वागत है आपका क्रिप्टिक्स हेडलाइंस में। आज की पहली खबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका टीम इंडिया का पत्ता काट सकती है। वो ऐसे क्योंकि ऐसी बातें चल रही है कि जो टीम इंडिया है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, और अगर ऐसा हुआ तो श्रीलंका अपने आप ही क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि श्रीलंका ओडीआई वर्ल्ड कप में 9th पोजीशन पे थी। और इसी वजह से, क्योंकि 8 टीमें खेलनी है चैंपियंस ट्रॉफी में और 8वीं टीम जो है वो श्रीलंका हो सकती है। दूसरी खबर है कि साउथ अफ्रीका 20 लीग में दिनेश कार्तिक पार रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। दिनेश कार्तिक आरसीबी की तरफ से अब नहीं खेलते हैं, आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से भी वो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अब खबरें आ रही है कि दिनेश कार्तिक को पार रॉयल्स ने साइन किया है और वो उनकी तरफ से साउथ अफ्रीका 20 लीग खेलते हुए नजर आने वाले हैं। आर श्रीधर ने की है शुभमन गिल पर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी। आर श्रीधर ने एक बयान दिया है, उस बयान में आर श्रीधर ने बोला है कि शुभमन गिल 2027 के बाद आपको टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनते हुए दिखाई देंगे। और आपको बता दें कि वैसे भी गौतम गंभीर बहुत ज्यादा इंप्रेस है शुभमन गिल से, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, और अभी श्रीलंका दौरे के लिए ओडीआई और टी20 में शुभमन गिल को वाइस कैप्टन भी बनाया गया। इससे पहले जब जिम्बाब्वे दौरा हुआ था वहां पर भी शुभमन गिल ने एक यंग टीम की अगुवाई करी थी और 4-1 से सीरीज अपने नाम करी थी और 170 रन बनाए थे उस सीरीज में, और हाईएस्ट रन गेटर भी थे जिम्बाब्वे सीरीज के शुभमन गिल। वॉशिंगटन सुंदर को किया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट। आपको बता दें कि वॉशिंगटन सुंदर के साथ स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा को भी नॉमिनेट किया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। वॉशिंगटन सुंदर की अगर बात करें तो बहुत ही कमाल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी रही है उनकी। अभी श्रीलंका के साथ ओडीआई मुकाबले खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरे ओडीआई मुकाबले में भी 3 विकेट चटकाए थे, पहले मुकाबले में भी एक काबिले तारीफ स्पेल उन्होंने डाला था, तो वॉशिंगटन सुंदर को इसीलिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। अब आखिरी खबर है कि इंग्लैंड ने पीएसएल का सेमीफाइनल होस्ट करने से ही मना कर दिया है। दरअसल पीएसएल और आईपीएल में इस बार तकरार होने वाली है, दोनों सेम ही मंथ में पड़ने वाले हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड से इल्तजा की थी कि भाई आप हमारा सेमीफाइनल होस्ट कर लीजिए, लेकिन इंग्लैंड ने साफ सीधा इनकार कर दिया है कि हम पीएसएल का सेमीफाइनल होस्ट नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान को थोड़ा सा बजट में प्रॉब्लम हो रही है कि किस तरीके से वो अपना होस्ट करेंगे, कि दुबई में कभी उनका पीएसएल का सेमीफाइनल होता है तो कभी पाकिस्तान में करवाया जाता है, लेकिन इस बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली हुई है पाकिस्तान को। इसी वजह से इंग्लैंड से बोला था पाकिस्तान ने कि पीएसएल का सेमीफाइनल आप होस्ट कर लीजिए, लेकिन अब इंग्लैंड ने मना कर दिया है। बाकी आप कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।